अच्छा जी, अबू बकर ने जो है ना वो केक काट लिया है, तो मैंने आपको कहा था कहीं जाइएगा मत, केक मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है, सॉफ्ट है कि नहीं, इससे आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज़ चीज़ को तोड़ के भी बताया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है केक, ये देखें कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार केक बना है। जिसने खाया सब ने कहा बहुत मज़े का है, तो मैं भी खाती हूँ। बहुत मज़े का केक बना है। तो कैसी लगी है जी आपको आज की रेसिपी, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। आज जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बन रहा है। तो मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, और ये मैं बना रही हूँ बग़ैर ओवन के, और ये बना रही हूँ मैं कुकर में। तो चलिए तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जिस बर्तन में हमने केक को बनाना है, उस बर्तन को हम ग्रीस कर लेते हैं बटर, ऑयल या घी से। ठीक है, ये देखें इसको अच्छा सा जो है ना वो मैं ग्रीस कर लेती हूँ, और इसको जो है ना हमने साइडों से भी ग्रीस करना है, क्योंकि केक ऊपर तक आता है, तो यहाँ साइडों से भी हम इसको अच्छा सा ग्रीस कर लेते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी मौजूद नहीं है, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है बटर पेपर की जगह। ग्रीस आपने अच्छा सा करना है, ठीक है। ग्रीस कर दिया है और बटर पेपर नहीं है, तो हम इसमें छिड़केंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा, और ये जो है ना ये मैदा हम तमाम जगह पर छिड़केंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह भी करते जाएंगे, साइडों पे भी हम इसी तरह छिड़क लेंगे। जितना मैदा चिपकना होगा इसके साथ चिपक जाएगा, और बाकी जो है वो हम इसको एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। ये देखें इस तरह करके हम तमाम जगह पर लगा लेती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। हमने बर्तन को तैयार करके रख लिया है, और अब यहाँ पर है हमारे पास दो अंडे, और हमने 1.5 कप जो है वो लेना है मैदे का, तो हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। ठीक है, आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और चीनी को पीसी हुई चीनी को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप चीनी डाली है इसमें, और हमारे पास 4 चम्मच हैं खाने वाले कोको पाउडर के, ये मैंने कोको पाउडर भी डाल दिया, और 4 चम्मच हमारे पास बटर है पिघला हुआ, आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, और इसको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, बहुत अच्छा सा इसको फेंटना है, और ये काम आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाथ की मदद से ही कर रही हूँ। तो हम इसको अच्छा सा, बिल्कुल अच्छा सा मेल्ट करते हैं चीनी को, और इसको एक अच्छा सा फॉर्म में लेके आते हैं ब्लेंड करके इसको, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बैटर जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो गया है, ये देखें बहुत ही अच्छा सा मिक्स हुआ है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और अब जो हमने करना है वो हम इसमें मैदा छान के डालेंगे। छानने से ये होता है कि इसमें एयर आ जाती है, तो केक जो है वो बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बनता है। तो अब हम इसको छान के जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कुकर गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए, और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है एक स्टैंड, ठीक है ये देखें, और ऊपर से ढक दिया है इसको, तो ये गर्म हो चुका है। अच्छा जी, अब हमारे पास है 1.5 कप मैदा, जिसको हम छानेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी केक के सिलसिले में, ठीक है जी, अभी मैं आपको बताऊँगी, मैं ये छान लूँ, और छानने से जो है ना वो बड़ी चीज़ें निकल आती हैं मैदे में से, तो आपने भी ज़रूर छान के डालना है। ठीक है, ये हमने छान के डाल दिया, और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर है ये मैं इसमें शामिल करती हूँ, और इसको भी हम छान के डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने तमाम चीज़ें छान दी, अब हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स हमने कैसे करना है, बहुत आपने तेज़ तेज़ इसको मिक्स नहीं करना, और आपने इसको एक ही डायरेक्शन में करना है। ठीक है, बहुत स्लो आपने इसको मिक्स करना है, और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर आप उल्टी साइड पे घुमा रहे हैं तो फिर उल्टी साइड पे ही घुमाना है, और अगर सीधी साइड पे घुमाना शुरू किया है तो फिर सीधी साइड पे ही घुमाना है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल भी एक दफ़ा करके उसके फिर ऑपोजिट नहीं घुमाने लगना। ठीक है, तो हम इसको अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं, स्लो स्लो करेंगे, तेज़ तेज़ हमने इसको नहीं करना मिक्स, और हम इसको एक ही रुख पर घुमाकर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे।
केक को बनाने के लिए किसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बातों का ख्याल रखना, उसके ध्यान रखना। तो मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छा सा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैदे को हमने जो है वो मिक्स कर दिया है बहुत स्लो स्लो, लेकिन आपने ये देखा कि डो हमारी कितनी सख्त है, बहुत टाइट है, तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इस तरह केक जो है वो फूलेगा नहीं। तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे और इसकी डो को हमने उतना बनाना है जितना कि एक दरमियान ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो, तो एक धार बहनी चाहिए इसकी। वो मैं आपको बता दूँगी इसकी कंसिस्टेंसी। तो मैं इसको मिक्स कर लूँ और मैं आपको बता दूँगी कि मैंने इसमें कितना दूध शामिल किया है और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो देखिए हमारा बैटर जो है वो केक के लिए बिल्कुल रेडी है और हमने जो है इसकी इसमें तकरीबन आधा कप दूध शामिल किया है और वही वाला कप है जिस कप से हमने मैदा और चीनी को नापा था। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये इस तरह बिल्कुल स्मूथनेस से गिर रहा है, ये है इसकी कंसिस्टेंसी और ये इतना होना चाहिए इस तरह। तो अब हम तैयार करते हैं अपना केक और इसको हम डालते हैं जिसमें हमने केक बनाना है, उस सांचे में हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है जी, हम इस डेगची में इस बैटर को डालते हैं, दरमियान में करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आपने देखा कि कितना स्मूथ है, कितना स्मूथनेस से गिर रहा है ये। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो तमाम बैटर जो है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम मैं शामिल कर लूँ और इसको साफ़ कर लूँ बर्तन को, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या करना है। देखिए तमाम बैटर जो है हमने इस सांचे में डाल दिया है, इसको हम टैप कर लेंगे ताकि जो एयर वगैरह है वो निकल जाए। ठीक है, और अब हम इसको रखते हैं अपने कुकर में और कुकर का जो है ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखें कितनी अच्छी हीट हो चुकी है इसमें। और अब हम इसको पकड़ के बहुत केयरफुली इसमें रखते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे रखने के बाद। जी मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसके ऊपर हमने एक कपड़ा भी डाल दिया है ताकि कहीं से एयर ना निकले। पहले 3 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे रखना है, उसके बाद तकरीबन 18 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे और फिर मैं तकरीबन 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसा हुआ हमारा केक। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से देखें छुरी मारकर इस तरह चेक किया है। ये देखें छुरी जो है वो साफ़ बाहर आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। आप टूथपिक से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं आराम से, फिर इसको ठंडा होने देते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी केक जब तक ठंडा होता है ना, यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में पानी रख के और उसके अंदर एक और बाउल रखा है, उसके अंदर चॉकलेट डाल के रख दी है मेल्ट होने के लिए। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट होती है और केक हमारा यहाँ ठंडा होता है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो केक बाहर निकाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख सकते हैं आप कि कितना स्पॉन्जी केक है, ये देखें कितना नरम है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसकी लेयर्स काटूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसको धागे की मदद से हम किस तरह काटेंगे। ठीक है, ये नलकी है धागे की, तो इससे मैं ये केक जो है वो काटूंगी। तो ये देखें ये धागा लिया है मैंने इस तरह और इसको इस तरह रखा है हमने और इसको बराबर रखना है हमने। ठीक है, और ये देखें ये चीज़ जो है ना ये हमने इस तरह कर देनी है, ये देखें ये निकल गया, ये देखें धागा निकल गया है और ये हमारा जो केक है ये देखें, ये देखें हमारा केक कट गया। और अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होता है तो फिर मैं इसके ऊपर सिरप लगाऊंगी। अच्छा जी केक जो है वो हमारा ठंडा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं दबा रही हूँ उसको, बहुत ही नरम हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप लगाते हैं और चॉकलेट सिरप जो है ना वो मैंने घर में तैयार किया है और इसकी रेसिपी जो है वो मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपको दे दूँगी। तो हम अच्छी सी एक लेयर इसके ऊपर चॉकलेट सिरप की लगाते हैं। तो
इंशाल्लाह अनकरीब। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको चॉकलेट सिरप चाहिए, इसकी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको चॉकलेट सिरप की रेसिपी जो है वो दे दूँगी। तो हम एक लेयर लगाते हैं अच्छी सी चॉकलेट सिरप की, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने ना इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो है वो लगा दिया है, देखें अच्छा सा लगा दिया बिल्कुल, ठीक है, एक लेयर लगा दिए। अब हम इसके ऊपर जो है ना दूसरा वाला जो हिस्सा है हमारे केक का, हम वो रख देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी ना हम इसके इसकी पहले जो टॉप है इसको काट लेते हैं, क्योंकि ये बीच में से थोड़ी सी फूल गई है तो इसको हम काट लेते हैं। इसकी टॉप उतार दी है क्योंकि इसकी टॉप जो थी ना वो थोड़ी सी फूली हुई थी बीच में से, तो इस वजह से हमने वो उतार दी है। अच्छा, चॉकलेट देखे हमारी मेल्ट हो गई है अच्छी सी। अब हम चॉकलेट को इसके ऊपर लगाएंगे, देखें इस तरीके से हम चॉकलेट लगा देंगे इसके ऊपर। साइडों पे भी लगा देंगे और ऊपर भी लगाएंगे। इसके ऊपर मैं अच्छी सी चॉकलेट कोटिंग कर लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, अब हमने चॉकलेट लगा दी है तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप। इससे जो है ना ये मुलायम हो जाएगा ज़रा, ठीक है, और साइडों पे भी गिरेगा ये, तो साइडें भी इसकी कवर हो जाएंगी। ये क्या माशाल्लाह, तो अच्छा सा हम इसके ऊपर इसकी भी लेयर करते हैं, इसको मुलायम करते हैं। घर में इसी तरह केक तैयार होते हैं। कोशिश है मेरी कि सही बहुत अच्छा सा केक आपको बना के दिखाऊं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो प्रॉपर जो चीज़ें जो हैं वो दस्तियाब नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना अच्छा केक बन गया, इतना स्पॉन्जी, इतना नरम केक है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और बहुत आसान है ये चॉकलेट सिरप बनाना भी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह अनकरीब आपको मिल जाएगी। तो तैयार हो गया जी हमारा केक। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अभी रुकिए, मैं आपको केक को, जब केक कटेगा तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि ये कितना स्पॉन्जी है, क्योंकि आज है अबू बकर की बर्थडे, तो ये बर्थडे केक बना रही हूँ मैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि केक बना दें, तो आज उनके लिए ये मैंने केक बनाया है। तो जब केक कटेगा तो अभी आपने जाना नहीं है, केक खा कर जाना है, ठीक है जी। और केक देखें, केक माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट केक है, बहुत मज़े का केक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केक जो है वो मैं तोड़ के दिखाऊंगी, तो बहुत मज़े का केक बना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा प्यारे प्यारे अबू बकर के लिए। और ये देखिए कैसे खेल रहे हैं अबू बकर। तो प्लीज़ नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को एंड तक देखा करें पूरा, और वॉच टाइम की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।